धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सबसे ऊंचा है और तेरे जैसा कोई नहीं है। पूरे दिल से हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे बीच में आराज कर। धन्यवाद यीशु। मेरा मन उसके बिना, अब
अपने शब्दों से है दुनिया उसने राजी, अपना होगा ध्रुव मेरा मन उसके बिना, सबसे ऊंचा यीशु नाम तेरे जैसा कोई नहीं, पूरे दिल से गाया हूँ आराधना।
शक्ति तू ही है मेरा साहस। मुश्किल समय में तू ही है शांति, तुझ पे मैं जाऊं कहां। Thank you.
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सुंदर दिन हमें मिला है ताकि हम प्रभु के वचन में जाएं। आइए हम नया करार में जाएंगे और एक सुंदर व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे और उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ बाइबल का यूसुफ और नया करार की यूसुफ, और हम इसके बारे में दो किताब में देखते हैं। लुका की किताब में भी लिखा है और मत्ते की किताब में भी लिखा है, लेकिन आज हम मत्ते की किताब में जाएंगे। और मेरा मैसेज का टाइटल है यूसुफ, धार्मिक व्यक्ति जो बदल गया। धार्मिक व्यक्ति जो बदल गया, धार्मिक व्यक्ति को भी बदलना जरूरी है। मत्ते की किताब पहला अध्याय 19वां अध्याय पहला भाग पढ़ेंगे। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धार्मी था, जो धार्मी था, बाइबल में लिखा है कि यूसुफ कौन था, धार्मी था। इसका मतलब यह नहीं कि वो निष्पाप था। जूना करार में जब हम धार्मिक कहते हैं, वो व्यक्ति जो हमेशा सही करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, उसको हम धार्मिक कहते हैं। धार्मिक यानी धार्मिक है। हम देखते कि बाइबल में लिखा है कि यूसुफ का मंगनी हो गया था मरियम के साथ, और जब मंगनी के समय उसको पता चला कि वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट हो गई है, जैसा उसको पता चला उन्होंने ये तय किया कि मैं ये शादी को तोड़ दूंगा। अभी इनके जमाने में मंगनी शादी के जैसा ही था, मंगनी शादी के बराबरी में था। तो पहले से माँ बाप तय करते थे कि इनका मंगनी होगा, तो मंगनी का मतलब शादी। तब ये मंगनी के बारे में भी लिखा है बाइबल में। अगर हम देखेंगे मत्ते का पहला अध्याय और 18वां वचन पहला हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में पहले से ही वो गर्भवती हुई। अभी ये मंगनी के बारे में लुका की किताब में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। लुका का पहला अध्याय और 27:27 में वही लिखा है कि मंगनी के बारे में लिखा है। अब हम देखते हैं कि यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था, मोशे का नियम पालन करने वाला व्यक्ति था, उसको धार्मिक बीबी चाहिए था। और उसके दिल में जब उसको पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने पहले ही तय किया कि ये परमेश्वर के ओर से नहीं है, ये गलत है। लेकिन उनके दिल में दया भी था, उनको ऐसा लगा कि मैं उनको खुल्लम खुल्ला बदनाम नहीं करना चाहूंगा और लोगों को नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो फिर लोग उनके ऊपर फतरावा करेंगे, मार डालेंगे मूसे के नियम के अनुसार। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं आहिस्ता एकदम चुपचाप ये मंगनी को, शादी को मैं कैंसिल कर दूंगा। तो ये उसने ये सोचा। तो आइए हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे, ये वचन मत्ते का पहला अध्याय 16 से हम 18 तक पढ़ेंगे। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बबिलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बबिलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। त्याग देने का विचार किया। तो हम देखते कि यूसुफ और मरियम, यूसुफ का
पिता का नाम है याकूब, ये लिखा है 16 वचन में। और मरियम का पिता का नाम है हेली, ये किधर लिखा है? ये लुका की किताब में लिखा है। तो अगर हम देखेंगे कि ये पीढ़ी जो यूसुफ का है और मरियम का, ये दोनों राजा के खानदान से आते हैं, लेकिन दो अलग बेटे से। दाविद के पास दो अलग बेटे थे, एक ही माँ के द्वारा, एक है सोलोमन और दूसरा है नेतन। तो हम देखते हैं यूसुफ सोलोमन के लाइन से आया और मरियम नेतन के लाइन से आया, और ये दोनों दाविद का बेटे थे। तो हम देखते हैं कि एक चीज हम समझना चाहिए कि यूसुफ यीशु का शारीरिक पिता नहीं है, लेकिन मान लेला, यानी उसको मान लिया, गोद लिया हुआ पिता। लेकिन मरियम यीशु का माता है, ये तो एकदम क्लियर है। और मरियम हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का बेटी भी है, जैसे हम भी सब उनके बेटे बेटियां हैं। तो इस बात में हम एकदम क्लियर होना चाहिए। और हम देखना चाहिए कि यूसुफ यीशु के बचपना तक था, लेकिन जब वो सेविकाएं किया तब हम यूसुफ को नहीं देखते, हम शादी में नहीं देखते उसको, या हम क्रूस के समय में हम नहीं देखते, और पेंटिकॉस्ट के दिन में हम नहीं देखते। तो इसका मतलब यूसुफ का जीवन बहुत छोटा था, और यीशु जब बढ़ रहा था तब वो मर गया, उसका नाम नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कि वो धार्मिक व्यक्ति था, वो धार्मिक व्यक्ति था, धार्मिक बीवी चाहता था, उसके जीवन में दया थी। लेकिन क्या धार्मिक आदमी के जीवन में गलत राय हो सकता है? हाँ, वो धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो हो रहा है मरियम के जीवन में वो गलत है, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं, और मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूं, मैं इसे ना करना चाहूंगा। और उसको ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। कभी कभी धार्मिक लोग भी गलत निर्णय करते हैं, और उनको पता भी नहीं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, कि वो लोग धार्मिकता में चलते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर के पास जाना चाहिए, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम सही है, हम पूछना चाहिए परमेश्वर, मैं जो कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है, मैं ये चीज कैंसिल कर रहा हूं, सही है क्या गलत है। और परमेश्वर हमें बताएगा, वचन के द्वारा बताएगा, आत्मा के द्वारा बताएगा। अब वो निर्णय कर ही रहा था और वो सो गया, और बोला मैं सुबह उठते हुए ही मैं शादी को कैंसिल करूंगा और उसको बाजू कर दूंगा। तो उसी रात कुछ हुआ, परमेश्वर ने एक देवदूत भेजा, वो स्ट्रगल कर रहा था, और वो एकदम क्लियर था कि सुबह उठ के मुझे क्या करना है, मरियम के घर पे जाना है और उनके माँ बाप से कहना है कि मुझे ये शादी पसंद नहीं है, कैंसिल कर दो। सो गया। तो जब वो सोच ही रहा था तो परमेश्वर ने कुछ किया। आइए हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या किया। अब हम पढ़ेंगे मत्ते के पहला अध्याय और 20 से लेके 23 तक। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जानेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्मेगा और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिनका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो हम देखते हैं वो सोच ही रहा था कि मैं सुबह उठ के तलाक, डिवोर्स,
तो परमेश्वर का देवदूत आकर उनको दो चीज बताया। सबसे पहले बताया कि वो जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, कोई इंसान की ओर से नहीं, यानी पाप नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। दूसरा उनको वचन में बताया, सिर्फ चमत्कार नहीं दिखाया, जलवा नहीं बताया, उनको और कुछ बताया। ये वचन के अनुसार हुआ है और ये वचन है यशाया 7:14 में लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी और वो बच्चा को जन्म देगा और उसका नाम अब इमैनुअल लोग कहेंगे। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। अब हम देखते हैं यूसुफ जब वो सोया, वो गलत राय लेके सोया कि मैं ये करने वाला हूं, और वो तैयार था निर्णय लेने के लिए, और अगर उसने वो गलत राय लिया तो परमेश्वर के प्लान के ड्रामा के बाहर होता था। तो जब जो वो राय वो पकड़ रहा था वो राय गलत था, असत्य था, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं था। लेकिन परमेश्वर धार्मिक व्यक्ति को छोड़ता नहीं। परमेश्वर ने देवदूत लाया और वो देवदूत आना, ये हम कहते कि अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह आता है हमारे जीवन में ताकि हम गलत राय से बदल सकते हैं। अगर धार्मिक व्यक्ति को परमेश्वर सही राय नहीं बताएगा तो धार्मिक व्यक्ति हमेशा गड़बड़ में ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का दया हम देखते हैं, आया उसको बताया। जब वो सोया, ये सोच के सोया कि मैं सुबह उठ के ही तलाक दे दूंगा, और जब वो उठा उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, मुझे शादी करना है क्योंकि मुझे पता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। सोया तभी वो कहा ये परमेश्वर की ओर से, नहीं, नो इम्पॉसिबल, नामुमकिन। लेकिन जब वो उठा, मुझे शादी करना है, आई वॉन्ट टू मैरी, और वो गया शादी किए और बढ़ा। हम देखते कि परमेश्वर के अनुग्रह जब आती है हमारे जीवन में वो सत्य ले आता है। ठीक, तो हम देखते कि धार्मिक व्यक्ति को भी परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है ताकि परमेश्वर उनको सत्य दिखाए। सबसे पहले गलत राय को उन्होंने नकारा, बदल दिया। दूसरी चीज है, बहुत से लोग विश्वास करते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने सत्य के ऊपर भरोसा किया है, लेकिन वो वहीं रुके हैं, कदम नहीं उठाते। अब यूसुफ भी कह सकता था कि मैंने मान लिया बाबा ये सही है, लेकिन मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है क्योंकि मेरे खुद का जीवन है, मेरे सिक्योरिटी अभी सिक्योरिटी है, और वे इस मामले में इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो बहुत टेंशन हो जाएगा। नहीं, वो तैयार था आज्ञा पालन के लिए, और परमेश्वर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप शादी कर सकते हो, अच्छा होगा। तो उन्होंने कदम उठाया शादी के लिए। देखो 24वां वचन में कुछ लिखा है, 24th verse। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो उसने परमेश्वर ने जो बताया उसका आज्ञा उसने पालन किया। बहुत से लोग विश्वास करते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जाते। आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज्ञा पालन से तय होता है आपने कितना विश्वास किया है। बैप्टिज्म के जैसे जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर मरा, पापों का दंड भर दिया, पवित्र लहू बहाया, उसके बाद हम आज्ञा पालन करना चाहिए और बैप्टिज्म के कदम हम उठाना चाहिए। तो इन्होंने कदम उठाया शादी के लिए, और उस शादी के कदम उठाने से उन्होंने ये तय किया कि जो कुछ परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जन्म देगी, उस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं सब प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करता हूं, और ये भी विश्वास करता हूं कि ये जो भविष्यवाणी मेरे जीवन में अब परिपूर्ण हो रहा है, इस वक्त मेरे परिवार में हो रहा है, और मैं इसको मैं अभी स्वीकार करता हूं। सारे भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने दी थी पुराने करार में, अब पूरा हो रहा है, ये मैं विश्वास करता हूं। तो इस शादी के कदम से उन्होंने ये साबित किया, और उन्होंने ये भी साबित किया कि मुझे
परमेश्वर के प्लान में, योजना में भाग लेना है, उससे दूर नहीं हटना है, इन्वॉल्व होना है। परमेश्वर का एक प्लान है और उससे मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। उसको पता नहीं था कि उसका पार्ट कितना है, असलियत में उसके पास एकदम ही छोटा ही पार्ट था। थोड़े समय पे वो सीन पे रहेगा, लेकिन थोड़े समय का पार्ट उसने बहुत अच्छी तरह से खेला। याद रखो, परमेश्वर हमको एक थोड़ा समय देता है खेलने के लिए, प्लान उसके ड्रामा में भाग लेने के लिए। आप तैयार होना चाहिए, अगर परमेश्वर आपने मुझे इतना ही पार्ट दिया तो मैं खेलूंगा। यूसुफ का जीवन तो बहुत छोटा था, कार्पेंट्री का बिजनेस थोड़े समय के लिए, परिवार थोड़े समय के लिए, मीडियम उसके पास थोड़े समय के लिए, यीशु भी थोड़े समय के लिए, क्योंकि हम देखते कि बाइबल के इतिहास में वो ज्यादा साल जिया नहीं, यीशु के सेविकाएं तक वो जिया नहीं, वो चला गया। लेकिन उसने अच्छा कदम उठाया, खतरे का कदम, अपना बच्चा को अच्छी तरह से उसने संभाला। वो उसका बच्चा नहीं था, परमेश्वर का बच्चा था, लेकिन अपने बच्चे के जैसा ही उसने क्या किया, बड़ा किया, और उसने आज्ञा पालन किया। और एक बात है, यूसुफ ने और कोई दूसरा नाम नहीं लगाया बच्चे के ऊपर, उसने नाम लगाया यीशु, क्योंकि जैसा देवदूत ने कहा आप ये नाम रखो। अब हम देखते हैं ये नाम शायद उसके परिवार में भी नहीं था, ये नाम यीशु, तो लोग बोलेंगे ये नाम किधर से आया, उसने बोला नहीं, ये नाम किसने दिया है, मेरे ओर से नहीं, ये नाम परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का दिया हुआ नाम मैं लगाऊंगा। यानी खुद के जीवन से भी ऊपर और लोगों से भी ऊपर, खानदान से भी ऊपर उसने क्या किया, यीशु का नाम को ऊंचा किया। तीन चीज हम देखते, सबसे पहले गलत राय को उसने नकारा, सही राय को अपनाया, दूसरा चीज उसने आज्ञा पालन किया, शादी का कदम उठाने से उन्होंने आज्ञा पालन किया और यह साबित किया कि जो कुछ परमेश्वर बाइबल में कहता है अब परिपूर्ण हो रहा है और उसके ऊपर मैं पूर्ण भरोसा करता हूं। तीसरा चीज उसने वो नाम डाला जो परमेश्वर ने उनको बताया, प्रकटीकरण दिया, और वो नाम ये साबित होता है कि वो लोगों को पापों से क्या करेगा, बचाएगा, ये नाम चाहिए, एकदम क्लियर था। अभी हम देखते उसको क्या मैसेज देवदूत ने दिया था। मत्ते का किताब पहला अध्याय और हम 21 से पढ़ेंगे, 21 से 22 तक पढ़ेंगे, 21-22। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ओके, यहाँ लिखा है कि 21 वचन में लिखा है लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी यूसुफ धार्मिक व्यक्ति था, पापों से बचाने का प्रॉब्लम किधर है? हम देखते हैं कि यीशु हमको सिर्फ पापों से रोकने के लिए नहीं आया, या पापों से सुरक्षित रखने के लिए नहीं आया, वो करता है सुरक्षित, रोकता है, लेकिन सबसे पहले पापों का दंड भरना जरूरी था। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु सिर्फ हमको पापों से दूर करता है, दूर करने से पहले पहले पापों का दंड भरना चाहिए, कीमत भरना चाहिए, और सबको उस चीज की जरूरत है कि यीशु हमारा पापों का दंड या कीमत भर दिए उस पर। तो जब यहां लिखा है वो अपने लोगों को क्या करेगा, पापों से उद्धार करेगा या पापों से बचाएगा, यानी हमारा पाप का दंड क्रूस पर लेके जाएगा। हम सभी के ऊपर शिक्षा है और वो शिक्षा दंड यीशु क्या करेगा, खुद के ऊपर लेगा। तो यीशु हमको क्या करता है, पापों से छुड़ाता है और बाद में हमें पापों से, पापों में गिरने से वो रोकता भी है, सुरक्षित भी रखता है, वो आगे कर। सबसे पहले पापों का दंड भरना जरूरी है। अब एक व्यक्ति जो धार्मिकता में चलता है
वो धार्मिकता के चाल चलन उसको उद्धार नहीं दे सकता है। हमारे चाल चलन की धार्मिकता हमें उद्धार नहीं दे सकता है। हमें उद्धार मिल सकता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके तरफ से हमको दिया हुआ धार्मिकता मिलती है। हम उसकी नजरों में धार्मिक ठहराया जाता है और वो सिर्फ वो धार्मिक जन जो यीशु है वो हमको दे सकता है, और वो देता है हमें क्रूस की कुर्बानी के द्वारा। तो यूसुफ को पता था कि हाँ, मैं धार्मिकता में चल रहा हूं, लेकिन एक है जो मुझे पापों से बचा सकता है। धार्मी हो या अधर्मी हो, दोनों को यीशु की जरूरत है, उद्धार की जरूरत है, और सिर्फ यीशु हमारे पापों का दंड भर सकता है और हमें धार्मिकता दे सकता है। न केवल उसको पता था कि यीशु हमें धार्मिकता दे सकता है या हमारा उद्धार करता है, उसको और एक जानकारी मिला कि यीशु परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ रहने वाला है। 23वां वचन। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, उसको पता था कि अब ये भविष्यवाणी हो रहा है। ये यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14 में लिखा है कि प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, ये अभी पूरा हो रहा है। तो न केवल उन्होंने चमत्कार देखा देवदूत के बारे में, उनको और एक चिन्ह मिला कि ये जो हो रहा है वो प्रभु के वचन के अनुसार हो रहा है। हालेलुया, वो हमें पापों से बचाएगा। हालेलुया। यूसुफ का जीवन बहुत ही छोटा था, उसका कामकाज, उसका पारिवारिक जीवन, यीशु के साथ समय भी छोटा था, लेकिन उसने उसका रोल इस ड्रामे में बहुत अच्छी तरह से खेला। परमेश्वर का एक बड़ा ड्रामा, उद्धार का ड्रामा, हमको इसके बारे में प्रकटीकरण है, मिला है, जिससे हमको उद्धार मिला है। हर एक को छोटा रोल खेलना है। अभी आपका रोल कितना भी छोटा हो, आप अच्छी तरह से खेलना चाहिए, नहीं तो वो वक्त चला जाएगा। यूसुफ को परमेश्वर ने छोटा समय दिया, लेकिन वो छोटा समय वो अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। उसका कामकाज, उसका बिजनेस, पारिवारिक जीवन, थोड़ा समय के लिए। आपको भी थोड़ा समय है और शायद आपका रोल छोटा है, अच्छी तरह से खेलो, अच्छी तरह से काम करो, एक दिन आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तीन महत्वपूर्ण चीज यूसुफ ने किया। सबसे पहले, धार्मिक होने के बावजूद भी गलत राय को उसने फेंक दिया और जो परमेश्वर ने दिया हुआ सत्य राय को उसने अपनाया, ग्रहण किया। दूसरा, सिर्फ विश्वास करके बेटा ने, उसने और एक कदम उठाया, आज्ञा पालन का कदम, और परमेश्वर की योजना के साथ वो जुड़ गया, इन्वॉल्व हो गया। तीसरा चीज, यीशु के नाम को ऊपर किया। हर समय यीशु के नाम को ऊपर किया, यीशु के नाम को ऊंचा किया। यीशु उसका खुद का बेटा नहीं था, उन्होंने यीशु को गोद लिया, लेकिन इस तरह संभाला बचपन में जैसा उसका ही था, उसका ही था, इस तरह संभाला। हाय, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यूसुफ का जीवन हम लोग ने देखा है और प्रभु को धन्यवाद देंगे, और मैं विश्वास करता हूं आपने कुछ सीखे इसके जीवन से। प्रभु यीशु, जैसे हम यूसुफ के जीवन देखते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो अपने गलत राय को बदलने के लिए वो तुरंत था, और जो आपने बताया उसको उन्होंने स्वीकार किया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि वो तेरे काम, तेरी योजना में जुड़ने के लिए तैयार था और आपके लिए खतरे का कदम उठाए, हम धन्यवाद देते। उसने उनका जो रोल था अच्छी तरह से खेला। हमें भी मदद कर प्रभु, ताकि जो कुछ आपने हमें काम दिया है, हम अच्छी तरह से वो काम करें।
कुड़कुड़ाते हुए नहीं, हर समय तुझे महिमा दे। आपने मुझे अच्छा काम दिया है, अच्छा सेवा दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि यूसुफ ने आपका नाम सबसे ऊंचा किया, परिवार में सबसे ऊंचा नाम किया। प्रभु हमें मदद कर ताकि हम भी हर परिस्थिति में तेरे नाम को उठाए, तेरे नाम को ऊंचा करें, परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, सभी के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर आपका नाम सदा ऊंचा रहे, तेरा नाम रहे सदा ऊंचा, हमेशा तुझे महिमा मिले, हमें नहीं तुझे महिमा मिले। धन्यवाद और स्तुति, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आखिरी आशीर्वाद के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अब परमेश्वर तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह और पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए रहे। आमेन।